फ्रेंड्स, वेलकम टू एडुएसएस योर एजुकेशन मेंटर। सो फ्रेंड्स, फाइनली आप लोगों ने अपने स्कोर कार्ड्स देख लिए हैं, रैंक्स देख लिए हैं। जो नेक्स्ट एक्टिविटी थी आपकी नीट काउंसलिंग की, वो भी अब स्टार्ट हो चुकी है। जैसे कि कल के सेशन में एडुएसएस में हमने बोला था कि काफ़ी बच्चे अभी थोड़ा सा मिसगाइडेड हैं, वो सोच रहे हैं कि एग्ज़ामिनेशन दोबारा होगा। बट जो पैटर्न है एनटीए का आफ्टर द पैंडमिक इन इंडिया, और उसको देखते हुए और अभी सबकी चीज़ों को देखते हुए ये चीज़ लग रही थी कि रिज़ल्ट भी अनएक्सपेक्टेड, जो बच्चों का प्रिपेयर था कि 15 तारीख को रिज़ल्ट आएगा, वो 10-11 दिन पहले ही रिज़ल्ट आ गया, तो काउंसलिंग भी थोड़ी जल्दी ही स्टार्ट हो जाएगी। तो वी वर एक्सपेक्टिंग कि जो काउंसलिंग है वो आपकी 12 तारीख से 15 तारीख के बीच में स्टार्ट होगी, बट जो नीट यूजी की काउंसलिंग है वो अब पूरी तरह से स्टार्ट हो चुकी है। तो जिन भी बच्चों ने नीट का एग्ज़ामिनेशन दिया है वो अपने सारे डॉक्यूमेंटेशन को रेडी कर लें, काउंसलिंग के लिए मेंटली और मॉनिटरी तरीके से पूरी तरह से रेडी हो जाएं, क्योंकि आपकी काउंसलिंग एक्टिविटी स्टार्ट हो चुकी है। अभी फ़िलहाल देखते हैं जो आज के दिन के जो अपडेट हैं, जिन बच्चों ने पहले CMC वेलोर के लिए रजिस्ट्रेशन किए थे और एप्लीकेशन फॉर्म फिल किए थे, तो CMC वेलोर ने अपना पोर्टल ओपन कर दिया है अपने स्कोर कार्ड को अपलोड करने के लिए। तो जो बच्चे CMC वेलोर के अंदर काउंसलिंग कराना चाहते हैं वो अपना CMC वेलोर की ऑफिशियल वेबसाइट admission.cmcvellore.ac.in के ऊपर लॉगिन करके जो इनका स्कोर है वो स्कोर को अपलोड कर सकते हैं, जिससे कि उनको वहाँ पे एडमिशन मिल जाए। CMC वेलोर के लिए अगर हम देखते हैं तो पहले जो ऑल इंडिया रैंक के हिसाब से, तो लगभग इस बार लगभग जिन बच्चों का 700 नंबर तक आया है उन्हीं बच्चों के चांसेस बनेंगे CMC वेलोर में एडमिशन लेने के लिए। CMC वेलोर से आगे बढ़ते हैं, आसाम की तरफ मूव करते हैं, तो आसाम स्टेट ने भी अपनी नीट UG 2024 की काउंसलिंग को स्टार्ट कर दिया है। इसकी ऑफिशियल काउंसलिंग जो होगी DME.assam.gov.in के ऊपर होगी। इंडिया में जितनी भी काउंसलिंग एक्टिविटीज़ होंगी, जितने भी स्टेट्स हैं 1-to-1, वो सारे स्टेट्स अपनी काउंसलिंग ऑनलाइन मोड पे करेंगे। साथ में जो ऑल इंडिया की काउंसलिंग होती है DMST और गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज की, वो भी ऑनलाइन मोड पे होगी। फिजिकल काउंसलिंग अब इंडिया के अंदर नहीं होती है, केवल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन पार्ट ही इंडिया के अंदर होता है, और कुछ स्टेट्स ऐसे हैं जो अभी भी कराते हैं, लेकिन जितने भी बड़े स्टेट्स हैं वो ज़्यादातर ऑनलाइन मोड पे काउंसलिंग कराते हैं। तो असम में जो स्पेशल कोटा आता है, स्पेशल कोटा के अंदर जो बच्चे आते हैं, जैसे कि फ्रीडम फाइटर हो गए, मार्टियर्स ऑफ असम मूवमेंट जो है, जो उसमें लोग शहीद हुए थे, एक्सट्रीमिस्ट वायलेंस वाले बच्चे हो गए, एक्स सर्विसमैन ऑफ एंड सर्विंग डिफेंस पर्सनल जो हो गए, जो सर्विस में हैं और जो एक्स सर्विसमैन हो गए, और स्पोर्ट्स कोटा, इन सब कैटेगरी वाले बच्चों को अपने जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स हैं, जो गिवन एड्रेस है, वहाँ पर जाके इसका वेरिफिकेशन कराना है, डॉक्यूमेंट सबमिट करने हैं 14 तारीख से पहले। तो जितने भी स्पेशल कैटेगरी वाले बच्चे हैं आसाम से, स्पोर्ट्स कोटा वाले, एक्स सर्विसमैन वाले, सर्विंग पर्सनल वाले और फ्रीडम फाइटर वाले, ये सारे बच्चों को जाके अपने जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स हैं और वहाँ पर जाके वेरीफाई कराने हैं 14 तारीख से पहले। तो इसके लिए जो भी बच्चे आसाम से बिलोंग करते हैं वो अपनी ऑफिशियल वेबसाइट DME.assam.gov.in पर लॉगिन करके अपनी काउंसलिंग को क्यों प्रोसीड कर सकते हैं फ्रेंड्स। और बाकी जो जनरल बच्चे हैं जो इसमें नहीं आते हैं, उनके लिए फर्दर नोटिफिकेशन जल्द ही आ जाएगा। इसके बाद मूव करते हैं जो थर्ड स्टेट है, गोवा। गोवा भी एक क्लोज स्टेट है। वैसे हमने बात किया CMC की जो सीटें कुछ ओपन हैं, 6 सीटें ओपन हैं, और आसाम क्लोज स्टेट है। आसाम के अंदर NRI कोटा के लिए भी इफ़ एंड बट है कि आसाम NRI कोटा को लेके आएगा कि नहीं लेके आएगा। लास्ट ईयर आसाम ने NRI कोटा की काउंसलिंग स्टार्ट करी थी, बीच में स्टे आ गया था गवर्नमेंट में, बाद में वो स्टे हट गया था, तो बच्चों को आसाम में मिल गया था। इस बार की भी चीज़ों को देखते हुए काफ़ी अच्छी हैंडसम चांसेस है, जो हमारा कैलकुलेशन है नियर अबाउट 95% आसाम में भी NRI कोटा इस बार आ जाएगा। थर्ड जो स्टेट है वो है हमारा गोवा स्टेट। गोवा भी एक क्लोज स्टेट है, एक ही गवर्नमेंट कॉलेज है वहाँ पर, गोवा मेडिकल कॉलेज GMC गोवा। सो उसमें भी ऑफलाइन मोड के ऊपर काउंसलिंग होती है, तो गोवा ने भी अपनी काउंसलिंग स्टार्ट कर दी है। इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है DTEGOVA.in, यहाँ पे बच्चों को जाके लॉगिन करना है, ऑफलाइन मोड के लिए शेड्यूल आ चुका है। सो द एप्लीकेशन फॉर्म आइदर मे डू सो इन पर्सनल फॉर्म 6-12 जून। तो इन पर्सनल में जाके 6 जून यानी कि आज से लेके 12 तारीख के बीच में यहाँ पे अपने डॉक्यूमेंट्स को जाके सबमिट करना है, ठीक है। तो आप लोग यहाँ पे जाके अपने डॉक्यूमेंटेशन कर सकते हो। इस बार इन्होंने व्हाट्सअप नंबर भी दिया है डॉक्यूमेंट को सबमिट करने के लिए, जो कि काफ़ी ईज हो जाएगा, 9823339497, ये व्हाट्सएप नंबर दिया है गोवा टेक्निकल एजुकेशन ने। इसमें भी अपनी डॉक्यूमेंटेशन के लिए आगे प्रोसीड कर सकते हो। तो गोवा ने भी काउंसलिंग अपनी स्टार्ट कर दी है। तो अगर हम देख सकते हैं आज के अंदर 3 स्टेट्स आए हैं। अब मोस्ट प्रोबेबली कल परसों के अंदर IPU इन पर्सन यूनिवर्सिटी दिल्ली वाले भी अपना फर्दर नोटिफिकेशन निकाल देंगे,
केरला और कर्नाटका जिन्होंने पहले डिक्लेयर किया था कि जो पहले फॉर्म निकालते केरला और कर्नाटका का भी 102 दिन के अंदर फॉर्म आ जाएगा। एंड वी आर एक्सपेक्टिंग कि 3 से 4 दिन के अंदर MCC मेडिकल काउंसिलिंग ऑफ इंडिया जो सबसे बड़ी काउंसिलिंग होती है ऑल इंडिया कोटा 15% की जो सारी सीटें आती हैं वहाँ की और साथ में डीम यूनिवर्सिटी की उसकी भी काउंसिलिंग स्टार्ट हो जाएगी। सो ऑल द स्टूडेंट जो वॉन्ट टू पार्टिसिपेट ओवर देयर आप सभी लोग रेडी हो जाए अपने काउंसिलिंग के लिए और जो भी आपके डॉक्यूमेंटेशन लगने हैं वो सारे डॉक्यूमेंटेशन को रेडी करके अपने जो भी स्कोर आया है जो रैंक आई है उसके अकॉर्डिंग जो कॉलेजेस मिल सकते हैं उनके लिए आप रेडी रहें। काफ़ी स्टूडेंट्स अभी कंफ्यूज हैं, कुछ स्टूडेंट्स सबका अलग अलग परसेंटेज है और ये चीज़ें इंडिया में काफ़ी टाइम से चल रहा है, पिछले 5 साल से लगातार चल रही है। ये अभी हमारी काउंसलिंग होगी कि नहीं होगी कुछ अलग से हो जाएगा और काफ़ी लोग नेक्स्ट स्टेप जो होने वाला है काउंसलिंग उसके लिए रेडी है, उनके लिए मेहनत कर रहे हैं, अपने काउंसलर्स को हायर कर रहे हैं, अपने डॉक्यूमेंटेशन और फंड्स को अरेंज कर रहे हैं और बेस्ट कॉलेज को फिल्टर करने की कोशिश में लगे हैं। लास्ट ईयर के मुकाबले 2023 के मुकाबले इस बार 2024 की काउंसलिंग में काफ़ी ज़्यादा चेंजेस होने वाले हैं, लोगों के अंदर काफ़ी कन्फ्यूज़न भी है। तो इन सब कन्फ्यूजन से बचने के लिए सबसे अच्छा तरीका है जो काफ़ी ज़्यादा चेंजेस आए हैं स्कोर कार्ड में रैंक्स के, उसके लिए हमको क्या करना है कि इन ऑल द काउंसलिंग जैसे कि हम अपनी किसी भी काउंसलिंग के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, कर्नाटका में आप काउंसलिंग के लिए जा रहे हैं, ऑल इंडिया कोटा में जा रहे हैं, स्टेट कोटा के अंदर जा रहे हैं, छत्तीसगढ़ में, बिहार में, यूपी में, महाराष्ट्र में, कहीं पे भी आप काउंसलिंग कराने जा रहे हो, तो लास्ट ईयर से जो आपको सीखना है तो क्या सीखना है, स्कोर को फॉरगिव अबाउट द नीट स्कोर, जस्ट कंसिडर अबाउट द ऑल इंडिया रैंक्स विच यू आर हैविंग और द कैटेगरी रैंक्स विच यू आर हैविंग इफ़ यू बिलोंग टू सम स्पेशल कैटेगरी। तो हमको क्या करना है, आई हैव टू सी माई कैटेगरी, सो ऑल इंडिया रैंक के हिसाब से काउंसलिंग होगी। अगर लास्ट ईयर का स्टैट्स को फॉलो करोगे तो इस बार काफ़ी ज़्यादा गलतियाँ होने की चांसेस हैं, रैंक को फॉलो करेंगे तो गलतियाँ नहीं होगी। टेक एन एग्जांपल कि जैसे लास्ट ईयर ऑल इंडिया कोटा में जनरल की और ओबीसी कैटेगरी की में जो लास्ट सीट अलॉटमेंट हुई थी वो 610 मार्क्स पे हुई थी, ऑल इंडिया रैंक वॉज समथिंग अराउंड 23,500 और 23,800, 23,500 जनरल वालों की थी, 23,800 हमारी ओबीसी वालों के लिए थी। अगर हम 610 का स्कोर देखेंगे तो कन्फ्यूज हो जाएंगे, व्हाट आई हैव टू सी डेट आई हैव टू सी व्हाट वाज द रैंक ऑफ लास्ट ईयर और उसमें जो एडिशनल सीट इंक्रीज हो रही है उनको ऐड करने के बाद जो कैलकुलेशन आ रहा है वो आ रहा है 658 नंबर का। तो 658 का कैलकुलेशन हर बच्चा नहीं कर पाएगा, इसलिए आप लास्ट ईयर की रैंक को देखो और अपने स्कोर कार्ड की रैंक को देखो तो चीज़ें आपके लिए ईजी हो जाएंगी। तो 23,900 रैंक तक अगर आपका आ रहा है तो आपको ओबीसी कैटेगरी और जनरल कैटेगरी के अंदर ऑल इंडिया कोटा के अंदर डेफिनेटली सीट मिल जाएगी, कोई इशू नहीं, ईज नहीं है। 658 नंबर आपके होने चाहिए, 657 वाले में भी कुछ बच्चों को सीट मिलेगी, कुछ बच्चों को नहीं मिलेगी सीट में। उसी तरह से अगर आप इसमें कैलकुलेशन करते हो EWS कैटेगरी में तो 655 नंबर तक EWS कैटेगरी के अंदर एडमिशन निकल के आएगा। उसी तरह से आप कैलकुलेशन करते हो ऑल इंडिया कोटा में SC कितना जाएगा तो 555 से लेकर 560 के बीच में निकल के आएगा और ST कैटेगरी के लिए नियर अबाउट ये 500 मार्क्स तक निकल के आएगा। तो जस्ट फॉलो द लास्ट ईयर रैंक्स, उससे आपकी चीज़ें सरल हो जाएंगी। अब अगर टॉप के डीम यूनिवर्सिटीज़ को देखते हैं, यू आर लाइक टारगेटिंग KMC मणिपाल और KMC मैंगलोर, सिम्बायसिस मेडिकल कॉलेज और हमदर्द मेडिकल कॉलेज, तो कन्फ्यूजन आ जाएगा। रैंक के हिसाब से देखते हैं तो रैंक के हिसाब से देखिए और फिर अपना स्कोर कार्ड में देखिए। लास्ट ईयर फर्स्ट राउंड में 51,000 रैंक पे मिला था KMC मणिपाल, 55,000 रैंक पे मिला था मैंगलोर, इस हिसाब से आपका प्रोजेक्शन होना चाहिए। तो उसके हिसाब से कैलकुलेशन करता हूँ तो वी आर एक्सपेक्टिंग कि 630 नंबर के नीचे इस बार मणिपाल नहीं जाएगा, ऊपर ही ऊपर ख़त्म हो जाएगा। इवन कर्नाटका के जो टॉप जो कॉलेजेस हैं जिसको लोग अप्रोच करते हैं वहाँ पे भी अगर आप देखते हैं तो वो सब भी कॉलेजेस इस बार कहीं ना कहीं 600 मार्क्स के ऊपर सारा पूरा कर्नाटका खत्म हो जाएगा। और जो टॉप मोस्ट कॉलेजेस है लाइक कैंपेगौड़ा मेडिकल कॉलेज, वैदेही मेडिकल कॉलेज, फादर उमलर मेडिकल कॉलेज, MVJ मेडिकल कॉलेज एंड ऑल, BR अंबेडकर मेडिकल कॉलेज, ये सब जो मेडिकल कॉलेज सबगिरी, इन ये सब कहीं ना कहीं आपका 640 नंबर 650 नंबर पे अलॉटमेंट जाएंगे इन सब के टॉप नंबर के ऊपर। और नीचे के जो नए कॉलेजेस हैं चंदमाना एंड ऑल, ये सब भी कॉलेज आपके कहीं ना कहीं 610 नंबर 620 नंबर तक फिनिश हो जाएंगे और ये सब जो अलॉटमेंट आपको बता रहे हैं ये लास्ट राउंड तक जा रहे हैं। तो काउंसलिंग में काफ़ी चेंजेस आए हैं बट आप टेक्निकली इन सब चीज़ों को समझते हो और आगे प्रोस्यू करते हो तो आपके लिए ज़्यादा चीज़ें चैलेंजेस नहीं रहेंगी। सो बी मेंटली प्रिपेयर फॉर योर नेक्स्ट एक्टिविटी विच इज़ काउंसलिंग एक्टिविटी विच इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्टिविटी इन ऑर्डर टू गेट योर मेडिकल कॉलेज वेयर यू हैव टू स्टडी फॉर द नेक्स्ट 5 years फॉर द जनरल मेडिसिन कोर्सेज। तो अब हमारा एग्जामिनेशन हो गया, स्कोर कार्ड आ चुका है, नेक्स्ट एक्टिविटी भी स्टार्ट हो चुकी है।
NTA और जो गवर्नमेंट एजेंसीज हैं इस बार चीज़ों को जल्दी जल्दी कर रही हैं और आगे की भी एक्टिविटी जल्दी जल्दी को करने को मिलेंगे। उसके पीछे का जो लॉजिकल रीज़न देखने को मिलता है वो यही रीज़न देखने को मिलता है बिकॉज उनके ऊपर काफ़ी स्टूडेंट्स का और काफ़ी पेरेंट्स का और अलग अलग लोगों का काफ़ी फोर्स है, तो लोगों का फोर्स को हटाने के लिए डाइवर्जन करने के लिए दे आर लाइक परस्यूइंग देयर एक्टिविटीज़ एज सून एज दे कैन। ठीक है, इसलिए रिजल्ट को भी पहले निकाल दिया और इसलिए काउंसलिंग एक्टिविटी को भी पहले निकाल दिया। तो फिलहाल आपकी काउंसलिंग स्टार्ट हो चुकी है, जस्ट फोकस ऑन योर काउंसलिंग एक्टिविटीज़ और बहुत ही जल्दी हमको MCC के नोटिफिकेशन भी देखने को मिल जाएंगे। सो ऑल दो स्टूडेंट, बिकॉज हर स्टूडेंट अलग अलग तरीके से एडमिशन लेना चाहता है, सम वॉन्ट टू टेक थ्रू द NRI कोटा। सो जैसे आप कोई काउंसलिंग कभी भी स्टार्ट हो सकती है, तो बिफोर दैट इफ़ यू हैव टू प्रिपेयर योर डॉक्यूमेंट फॉर द NRI, जस्ट गेट देम प्रिपेयर्ड एज सून एज पॉसिबल। ये सब चीज़ों को जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी आप करा लीजिए। And we wish you all the very best for the counseling activities. Counseling के support के लिए आप हमारी website eduasses.com पर जाके visit कर सकते हैं। Over there you will find all the counseling details of Pan India. आप भारत के सभी राज्यों के वहाँ पर अपने नीट के मार्क्स के हिसाब से, रैंक के हिसाब से कॉलेजेस देख सकते हो। लास्ट ईयर, लास्ट टू लास्ट ईयर, लास्ट टू लास्ट ईयर कौन से स्टेट में कौन सा सीट मिली थी, कितने ऑल इंडिया रैंक के ऊपर किस कॉलेज की कितनी फीसेज है, ऑल इंडिया कोटा में किस रैंक पे कौन से राउंड में कौन सी सीटें मिली थी। सो ऑल दिस इन्फॉर्मेशन इज गोइंग टू हेल्प यू आउट वेरी मच इन द काउंसलिंग एक्टिविटीज, इसके हिसाब से अच्छी काउंसलिंग एक्टिविटी कर सकते हो आप। उसके बाद इफ़ यू आर फाइंडिंग एनी प्रॉब्लम इन द काउंसलिंग एक्टिविटीज, यू कैन कॉन्टैक्ट आवर टीम एडवाइसेस, वी आर हेयर टू हेल्प यू आउट सो दैट यू कैन गेट द बेस्ट पॉसिबल सीट which is possible on your score friend. This is all for today friends. We wish you all the very best for your next counseling activities. Thank you so much for watching and supporting us friend. Thank you so much.